जिसमें पिपरा सराय सोल गोवर्धा फिर सबुल पठान केचुआ और इस साइड रोड के बाएं साइड में जितने भी खास करके हमारे जो आदिवासी भाई जिनका यह गांव है यहां पे हम लोग इसको काफी प्रायोरिटीज रखे हैं कि यहां पे मतलब बाटा जो सामान जहां पे जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सामान का वितरण किया जाए। तो यहां पे जितने भी मतलब कि इस साइड के जितने भी लोग हैं आपको मालूम है कि आज का जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के साथ यहाँ पे हम लोग कंबल और मच्छरदानी का वितरण किया जाएगा और इस संदर्भ में हम लोग पहले भी नाम लिखवा मतलब जिसका भी है नाम लिखा हुआ है जिसके लिए हम लोग देना क्योंकि ये लिमिटेड मतलब ये है ऐसा जिसको इस बार अगर नहीं मिलता है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले बार मतलब कि जब भी होता है दो चार दिन के बाद जब भी कुछ होगा तो उसका उनका नाम शामिल किया जाएगा। तो खास करके जिनका नाम है जिनका जो अंगूठा और सिग्नेचर किए हैं वो यहाँ पर बैठे रहेंगे और जो जिनका नहीं है वो साइड में बैठेंगे फिर हम लोग देखेंगे कि जो है उनका नाम लिख लेंगे और दो चार दिन के बाद जब भी प्रोग्राम आयोजन किया जाएगा तो उनको हम लोग उसमें शामिल करेंगे। और एक बात मैं कहना प्लस जो भी गांव वाले आए हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि धर्मेंद्र साहब ने आपको बताया कि ये जो कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है इसका मेन मकसद है हमारे और आपके बीच में समन्वय रहे, हमारे बीच और आपके बीच में एक संवाद का माहौल बना रहे जिससे कि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन या किसी प्रकार का कोई भय का माहौल ना हो। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी या कुछ होती है तो आप बिल्कुल कैंप में आके अपनी परेशानियों को बताएं, वो चाहे किसी समय किसी भी मुद्दे से रिलेटेड हो। आपके लिए बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है जैसे आपको मनरेगा के अंतर्गत मनरेगा चलता है जिसमें 100 दिन रोजगार देना है, उसके बाद आपको धन धन योजना है, इस तरह की योजनाएं भी हैं जिसकी भी जानकारी अगर आपको चाहिए या किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप इस संबंध में भी आप आके हमारे जो कैंप कमांडर उनसे मिलेंगे या चंदमंडी थाना के जो थाना इंचार्ज है उनसे मिलेंगे मुखिया जी से मिलेंगे तो उसको दूर किया जाएगा। नहीं होता है तो आप पक्का आके मिलें और हम जहाँ तक हो कोशिश करेंगे आपके सारे समस्याओं का समाधान करा सकें। बाकी अभी आपको ये जो भी इन्होंने लाभार्थी जो है उनको अभी कंबल और मच्छरदानी दिया जाएगा। धन्यवाद। पार्टी का अभिनंदन सर के द्वारा जो भी ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है ये आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर है। और ये दरअसल ये ऐसा है कि ये हम लोगों के बीच में सामंजस्य बनाने का है और हमारे और आप लोगों के बीच में काफ़ी गैप हो जाता है किसी कारणवश, ये सभी चीज़ों को दूर करने के लिए भी ये एक पहल है जिसका हम लोगों को पूरा लाभ उठाना चाहिए और इसके कार्यक्रम में जो भी है उसका फायदा होता है। अंजलि हंसदा, कैलाश हंसदा, मॉस्किटो नेट, आप वहीं पे बैठ जाइएगा, लेके जहाँ पे बैठे थे वहीं पे बैठ जाइएगा। मार्की टूडू, बुधुन मुरमुर, ब्लैंकेट, इधर इधर आइए, इधर अच्छा ये आइए मुखिया जी आइए ना, ब्लैंकेट आइए ये कैसे दे देंगे आ जाइए ये इधर इधर फोटो की बाबू लाल हेमराम उधर देखिए ये मेगा मारन आगे गांव आएगा मेगा मारन मेगा मारन गांव के बाबू लाल हेमराम सन ऑफ छोटका हेम श्रीमती छोटकी मरंडी वाइफ ऑफ बाबूलाल हेमराम मॉस्किटो नेट कहाँ है वाइफ ऑफ में तो वैसे गड़बड़ हो गया क्या नाम क्या नाम 215 सीआरपीएफ वाहिनी की तरफ से मैं ये सारा सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया हमारे कमांडेंट श्री मुकेश कुमार के निर्देशानुसार हमने पिपरा गांव के इसके लिए चुना चूँकि ये बिल्कुल ही इंटीरियर और साधन रहित इलाकों में है। यहाँ के जो मूल निवासी है वो आपको आदिवासी और संथाली बोलने वाले हैं, इनका जो रिक्वायरमेंट है चाहे इनकी जो रहने स्थिति है इसको देखते हुए हमने
जाड़े के मौसम प्लस ये मच्छरों का प्रकोप मलेरिया ये प्रॉब्लम देखते हुए हमने मच्छरदानी और कंबल का यहाँ वितरण किया और आगे हमारे 215 वाहनी के जितनी भी कंपनियां हैं सभी के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। इसमें मेडिकल हेल्थ कैंप, सोलर लाइट, उसके बाद आपको चापाकल, यूटेंसिल्स, बर्तन, ये भी गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही सीआरपीएफ के तरफ से एक दो प्रोग्राम और चलाए जा रहे हैं जिसमें लोगों को अपने मौलिक संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वो भी हमने इसके अंतर्गत किया। उसके बाद जो गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, उस योजनाओं को भी लोगों को, चूंकि उस योजनाओं के विषय में पूरी जानकारी नहीं है तो उस योजनाओं की जानकारी देना, अगर उनको उसमें किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसको निपटान के लिए भी उस प्रयास करना, ये भी एक हमारा मूल मकसद है। ये हम इसके अंतर्गत सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंदर ये भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है सर, आप थोड़ा अपना परिचय दे दें सर। मैं संदीप, डिप्टी कमांडेंट 215 बटालियन।